Subscribe to my channel and hit the bell icon so that you could be notified every time I'm on YouTube. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Pooja. So जब मैंने ये series start करी थी on how to accessorize your outfit, और उसका पहला episode डाला था जो कि था on how you can choose different earrings for different necklines. तो आप लोगों ने वो बहुत appreciate किया and I'm always grateful to it. और हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपकमिंग वीडियोस में बाकी की नेकलाइंस भी कवर करूँगी. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हाउ टू चूज परफेक्ट ईयरिंग फॉर डिफरेंट नेकलाइंस पार्ट टू, जिसमें मैं कवर करूँगी टर्टल नेकलाइंस, हॉल्टर नेकलाइन, क्यू नेकलाइन, स्ट्रेपलेस नेकलाइन एंड वन शोल्डर नेकलाइन. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और हिट कर दीजिए बेल बटन को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं वन शोल्डर नेकलाइन के साथ. ये बहुत ही पॉपुलर है और इसका सोफिस्टिकेटेड लुक आपको देता है, बहुत ही स्लिम और स्लीक लुक. ऐसी ड्रेसेस को एक्सेसराइज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. इनफैक्ट बहुत सी फैशन मैगजीन्स ये भी रेकमेंड करती है कि ऐसे नेकलाइन के साथ एक्सेसराइज नहीं करना चाहिए. बट क्या होगा, हम लोगों का जिन्हें एक्सेसराइज करना बहुत पसंद है, तो ऐसे लाउड नेकलाइन के साथ गो फॉर सिंपल मिनिमल ईयरिंग्स, जिससे कि सारा अटेंशन आपकी ईयरिंग्स पर ना जाके नेक पर जाए. यू कैन ऑप्ट फॉर क्लासिक स्टड्स या फिर सिंपल क्रॉलर ईयरिंग्स. दिस काइंड ऑफ मिनिमल ईयरिंग्स विल हेल्प इन्हेंस योर इंटायर लुक फॉर एवर. तो हॉल्टर नेकलाइन आर ग्रेट इन एनहेंसिंग योर बेसिकली एवरीथिंग, क्योंकि इसका शेप बेसिकली एक एरो की तरह होता है जो कि आपकी फेस की तरफ पॉइंट करता है. तो ऐसे नेकलाइंस के साथ आप पेयर कर सकते हैं चंकी ईयरिंग्स, विच काइंड ऑफ क्रिएट एन आर ग्लास काइंड ऑफ शेप बिटवीन योर चेस्ट एंड ईयर्स, वाइडर ऑन द टू साइड्स एंड स्लिमर इन द मिडल. एज आई सेड अर्लियर, बैलेंस इज द की. तो ऐसे नेकलाइंस के साथ अगर आप स्टड पहनते हैं तो वो आपके एस्थेटिक को इतना बैलेंस आउट नहीं करेगा. एंड पेयर ऑफ चंकी हुप्स वोंट जस्ट लाई एंटायरली फ्लैट अगेंस्ट योर जॉज, इंस्टेड वुड गिव एन अपीलिंग लुक. सो क्यू नेकलाइन एक बहुत ही कैजुअल नेकलाइन है जो कि ड्रॉप ईयरिंग्स के साथ एक बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट कर देती है आपके लुक में. स्टड्स आर यूजुअली टू बोरिंग एंड स्टेटमेंट ईयरिंग्स आर टू बिजी. तो जो ड्रॉप ईयरिंग्स है दे आर द राइट फिट. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कैजुअल हुप ईयरिंग्स की बजाय ड्रॉप ईयरिंग्स ट्राई करिए, सो दैट द शेप फेसेस टुवर्ड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ योर लुक. और आप टिनी टाइनी हुप ईयरिंग्स भी पहन सकते हैं, ये बहुत ही सटल लुक देगा एंड इट विल नॉट ड्रॉप लो इनफ टू कॉम्पीट विथ वॉट एवर फैब्रिक यू वेयर. ये नेकलाइन बहुत ही रोमांटिक लगती है. इस नेकलाइन में आपकी शोल्डर्स और आर्म्स एक्सपोज रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा टेंशन फेस पे भी लाना होगा. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हैवी चंकी ईयरिंग्स. इस टाइप की नेकलाइन में आई विल नेवर सजेस्ट टू गो फॉर स्टड ईयरिंग्स, क्योंकि वो आपके नेकलाइन में कहीं खो जाएंगे, इतना विजिबल नहीं होंगे. तो इस नेकलाइन में आप स्टेटमेंट ईयरिंग्स ट्राई कर सकते हैं या फिर हुप ईयरिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सिंपल नेकलाइन में एक फन एलिमेंट ऐड हो जाए. तो टर्टल नेकलाइन इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. ये इतना स्मार्ट लगता है और मुझे अपने ऊपर बहुत अच्छा लगता है. तो इस नेकलाइन के साथ आपको पहनना चाहिए क्लीन और नीट ईयरिंग्स, बी इट लूज टर्टल नेक और टाइट टर्टल नेक, दैट रियली डजेंट मैटर. क्योंकि टर्टल नेक बिजी होता है नेक के अराउंड, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नेकलाइंस या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ईयरिंग्स अच्छे नहीं लगेंगे. आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर स्टड ईयरिंग्स, ये बहुत ही सिंपल लुक देगा और ओवर द टॉप भी नहीं लगेगा. इसके अलावा यू कैन गो फॉर क्रॉलर ईयरिंग्स, बट मेक श्योर कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग या फिर यू नो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स ना हो. So that was all about today's video. I really hope it was helpful. So last week, मैं जयपुर गई थी और मैंने काफ़ी सारी stories Instagram पे share करी थी. If you haven't checked them out yet, आप जाके देख सकते हैं. और मेरे Instagram account को follow नहीं कर रहे तो please जाके follow करिए. So now it's time to go. See you in my next one. Till then, bye.